शुभ प्रभात। मैं डॉक्टर मारुति शिंदे, सहयोगी प्राध्यापक एवं अध्यक्ष हिंदी विभाग एवं संशोधन केंद्र वाचन कला एवं विज्ञान महाविद्यालय सोलापुर। आज हम विद्रोही कबीर के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्ययन से हमें कबीर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होगी और मूर्ति पूजा कर्मकांडों अंधविश्वास का विरोध कर विज्ञानवादी मानवतावादी दृष्टिकोण बढ़ाने में यह अध्ययन सहायक सिद्ध होगा। सर्वप्रथम हमें कबीर के जन्म परिवार उनके संदर्भ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद कबीर का कृतित्व माने उनकी ग्रंथ रचना के संदर्भ में हम विचार करेंगे। फिर उन पर जो वैचारिक विविध संप्रदायों के परंपराओं के प्रभाव है उसका हम विचार करेंगे। फिर कबीर की भाषा पर हम विचार करेंगे और हम उसका समापन करेंगे। सबसे पहले कबीर का जन्म, कबीर के जन्म के संदर्भ में विद्वानों में अलग अलग मत मतांतर है। डॉक्टर बिल के मतानुसार कबीर का समय 1460 है, 1460 ई फुकहर अंसार के अनुसार 1400 से 1518 तक उन्होंने उनका समय माना है। हंटर के अनुसार 1300 से 1420 तक का समय माना है। इस प्रकार से विविध विद्वानों ने कबीर के जन्म के और मृत्यु के बारे में विविध मत मतांतर है, लेकिन अनुमानतः उनका जन्म ईस्वी सन 1398 माना जा सकता है। उनके जन्म के संदर्भ में अनेक जनश्रुतियां है और इन जनश्रुतियों के माध्यम से उन पर देवत्व थोपने का प्रयास भी किया गया है। कुछ लोगों विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के कोख से हुआ और जन्म के तुरंत बाद उसने जनलज्जा के कारण कबीर को लहर तारा तालाब के किनारे पर छोड़ दिया। कुछ लोग उन्हें वेश्या का पुत्र भी मानते हैं, तो कई लोगों ने यह माना है कि पूर्णिमा के दिन लहर तारा तालाब में एक कमल का फूल खिला, उसमें से एक ज्योति निकली और उसी ज्योति ने जो मानव रूप धारण किया वह कबीर है। लेकिन अधिकतर विद्वान उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से जन्मा हुआ मानते हैं। विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्म होने पर जब उसने जनलज्जा के कारण लहर तारा तालाब के किनारे उसको छोड़ दिया, तो नीरू और नीमा नामक एक जुलाह दाम्पत्य जो निसंतान था उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उसकी परवरिश की और तभी से कबीर को जुलाहा माना जाता है। कबीर ने भी कई जगह पर अपने आप को जुलाहा कहा है। उनकी पत्नी का नाम लोई बताया जाता है। कमाल नाम का एक पुत्र उन्हें था और कमाली नाम की एक पुत्री थी। इस प्रकार की जानकारी उनके संदर्भ के अनुसार मिलते हैं। कबीर का जो रचना संसार है वह रचना संसार जिसे कृतित्व कहते हैं, तो विविध संदर्भों के अनुसार उनके 53 ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली नामक ग्रंथ में उनके साहित्य का संकलन किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कबीर बानी के नाम से उनके साहित्य का संकलन किया है। साथ ही धर्मदास जी ने बीजक नामक ग्रंथ में साकी सबद और रमायणी के माध्यम से इन तीन विभागों में उनके साहित्य का संकलन किया है। आचार्य द्विवेदी जी ने भी उन पर
ग्रंथ लिखते हुए उनके साहित्य का चयन किया है। इस प्रकार कबीर के साहित्य के बारे में अलग अलग तरह से जानकारियां मिलती है। वस्तुतः ये बात महत्वपूर्ण है कि कबीर स्वयं कहते हैं, मसी कागज छो नहीं, कलम नहीं गही हाथ। अर्थात कबीर लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, सत्संगति में बैठकर उन्होंने ये सारा ज्ञान पाया हुआ है। वो जहाँ जाते थे तो ज्ञान का उपदेश करते थे और उनके शिष्य उसे शब्दांकित करते थे। इसलिए कहा जाता है कि उनके ग्रंथ में काफी प्रक्षेपण हुआ है। इस प्रकार से कबीर के साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। कबीर पर अलग अलग वैचारिक प्रभाव, वैसे कबीर को निर्गुण वादी, निर्गुण निराकारवादी और उसमें संत साहित्य के प्रमुख के रूप में माना जाता है। लेकिन कबीर मूलतः लोक परंपरा के अन्वेषक कवि है। सभी धर्म पंथ की अच्छाइयां उन्होंने अपने साहित्य में अपनाई है। निर्गुण ब्रह्म के बारे में अद्वैतवादी होते हुए भी सर्वात्मवाद और परंपरावाद के वे अधिक समीप पाए जाते हैं। मोक्ष के संदर्भ में अद्वैती धारणा होते हुए भी सूफियों के मारिफत, जैनियों के दुखांत और योगियों के कैवल्य तथा बौद्धों के निर्वाण से प्रभावित है। भक्ति साधना में वैष्णवी भक्ति को समेटते हुए नाथों के हठयोग को वे मानते हैं। समाजोन्मुखी भक्ति साधना और नाथ संप्रदाय का प्रभाव उन पर काफी दिखाई देता है। कबीर की वैचारिक परंपरा पर जब हम सोचने लगते हैं तो मूलतः कबीर को बौद्ध दर्शन से प्रभावित मानना जाता है। बबन लवात्रे नाम के रचनाकार और संशोधक ने बौद्ध दार्शनिक कबीर के कबीर नामक एक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें उन्होंने कबीर को शुद्ध परंपरा बौद्धिक विचारवादी माना हुआ है। लेकिन कबीर ने किसी भी विशेष संप्रदाय को मूलतः नहीं अपनाया। मूर्ति पूजा का उन्होंने विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया, पाखंडों पर आघात किया और उन्होंने विज्ञानवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। कबीर पर ये जो विविध धर्म संप्रदायों का प्रभाव जो है और वो उन्होंने बहुत सारी अच्छाइयों को अपनाने का प्रयत्न किया है, उन्होंने उनका विचार जो है या उनका काव्य जो है उससे अधिक से अधिक ये कहा जा सकता है कि उन्हें बौद्ध दर्शन से अधिक साम्य था उनके विचारों में और वो उससे विशेष प्रभावित थे। उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया है। कबीर के जमाने में अलग अलग परंपराएं वैदिक धर्म की चल रही थी, उसके साथ ही बौद्ध धर्म का भी बोलबाला उस वक्त था और इन दोनों के संघर्ष में एक तीसरा धर्म यहाँ आकर जुड़ा था और वह था मुस्लिम धर्म। और भारतीय जनता हिंदू मुस्लिमों में मुख्यतः बटी हुई थी, लेकिन कबीर ने सभी संप्रदायों के अच्छाइयों को अपनाकर उन्होंने एक सर्वसमन्वेषक ऐसी एक भक्ति धारा, भक्ति मार्ग बताया जो शुद्ध आचरण और नामस्मरण को महत्व देते। उन्होंने मूर्ति पूजा का और कर्म कांडों का विरोध किया है और ये करते हुए उस पर कठोर प्रहार किए हैं। और इस वक्त तो उन्होंने किसी एक धर्मियों को भी नहीं छोड़ा, जैसे वह पाखंडी लोगों को और हिंदुओं की विसंगतियों पर आघात करते हुए कहते हैं, दुनिया ऐसी बावरी पाथर पूजन जाए, घर की चकिया कोई न पूजे, जे ही का पीसा खाए। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म की विसंगति पर आघात करते हुए कहते हैं, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, तापर मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। योगी और जैनियों को भी उन्होंने लताड़ा है।
नंगे फिरे जोग जो होई, बन का मृग मुक्ति गया कोई, मुंड मुंडाए जो सीधी हुई, स्वर्ग की भेड़ न पहुंची कोई। सिद्धों के भेद खोलते हुए वे कहते हैं, नारी की झाई परत, अंधा होय भुजंग, कबीरा तिनको कौन गति, जो नीत नारी के संग। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग प्रकार के कर्म कांडों का, पाखंडों का विरोध किया है और एक सीधा नामस्मरण का मार्ग बताया है। जैसे कि पाखंडों में कई प्रकार व्रत वैकल्य, नाम जप धारणा आदि बातों का, सभी बातों का उन्होंने, तीर्थ यात्रा, इन सभी बातों का उन्होंने विरोध किया और बताया कि जैसे माला फेरत जुग गया, मिटान मन का फेर, करका मन का डारी के, मन का मन का फेर। इस प्रकार से मन की शुद्धि पर उन्होंने बल दिया, जो अधिक बौद्ध परंपरा के साथ जाकर जुड़ता है। ये सब उन्होंने इसलिए किया कि तत्कालीन वैदिक धर्म में जो वर्ण व्यवस्था थी, जाति प्रथा थी, उनका उन्होंने कठोर विरोध किया और ऐलान किया कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो मैन। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि किसी के कर्तव्य को, कर्म को जानिए, ज्ञान को जानिए, उसकी जाति प्रथा को मत जानिए। और ये विचार लेते हुए उन्होंने सीधी तरह से कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। इस प्रकार से ये करते हुए उन्हें तत्कालीन सारे धर्म मार्तंडों का, विविध धर्मों के आचार्यों का और पाखंडियों का काफी विरोध हुआ। लेकिन उन सबके विरोध को चुनौती देते हुए कबीर ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, या चाहे जैन धर्म हो, इन सारे धर्मों में कई प्रकार के पाखंड और विभूतियां, पाखंड और कर्मकांड भरे हुए हैं, जो मनुष्य के जीवन का कल्याण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने एक सीधा और सरल मार्ग बताया और वह मार्ग है शुद्ध आचरण और नामस्मरण का। इसी के सहारे सभी पाखंडों का विरोध करते हुए उन्होंने विज्ञानवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है और कर्मकांडों का विरोध करते हुए अंधविश्वास को नष्ट करने की बात उन्होंने उन्होंने की हुई दिखाई देती है। कबीर की भाषा के बारे में काफी विद्वानों ने अलग अलग मत मतांतर किए हैं, लेकिन कबीर का उद्देश्य अच्छी सुगठित और परिनिष्ठित भाषा में काव्य रचना करना नहीं था, बल्कि कबीर तत्कालीन समाज में जो अनपढ़ लोग हैं, उन अनपढ़ लोगों पर जो अंधविश्वास छाया हुआ है, उसका प्रभाव जो है उसको नष्ट करके कबीर उनका प्रबोधन करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने लोकोन्मुखी दृष्टिकोण को अपनाया है और जहां तक जनता जिस भाषा में व्यवहार करती है उस भाषा का अवलंब उन्होंने किया है। इसलिए उन्होंने उनके साहित्य में कई भाषाओं का प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए अरबी, फारसी, मराठी या भारत के अन्यान्य प्रांतों में जो अलग अलग भाषाएं थी, उसके कई शब्द उनकी भाषा में दिखाई देते हैं, क्योंकि कबीर घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। इसके लिए उन्होंने सारा भारत भ्रमण किया और अपने विचारों का प्रचार किया। अंत में कबीर की मृत्यु के बारे में बताया जाता है, जैसे उनके जन्म के बारे में, जन्म तिथि के बारे में विविध मत मतांतर है, उसी प्रकार से मृत्यु के बारे में भी मत मतांतर है। लेकिन सन 1535 ई में उनकी मृत्यु मानी जाती है। कबीर जन्म भर काशी में रहे, लेकिन काशी में मरने वाला स्वर्ग में जाता है, इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए वह अंत में काशी से दूर मगहर में जाकर उन्होंने अपना शरीर रखा। इस प्रकार से कबीर एक विद्रोही कवि माने जाते हैं। उन्होंने सभी धर्मों का और गलत मतों का कड़ा विरोध किया और लोगों के विरोध को झेलते हुए विज्ञानवाद का प्रचार प्रसार किया। यही कबीर के व्यक्तित्व की हमें सीख मिलती है। धन्यवाद।